सर्व पितृ अमावस्या के दिन इस विधि से पितरों को विदा करें। पितृ विसर्जन आपको किस प्रकार से करना है? सर्व पितृ अमावस्या 17 सितंबर के दिन मनाई जा रही है। इस दिन हम अपने पितरों को विदा करते हैं। सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है। यह पितरों की विदाई का दिन होता है। इसे पितृ विसर्जन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। 17 सितंबर दिन गुरुवार के दिन सर्व पितृ अमावस्या है। हिंदू धर्म में पंचांग के अनुसार अश्विन मास की अमावस्या पितृ अमावस्या कहलाती है। इस दिन श्राद्ध पक्ष का समापन होता है और पितृ लोक से आए हुए पितृजन अपने लोक को लौट जाते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन तथा दान आदि से पितृजन तृप्त होते हैं और जाते समय अपने पुत्र पौत्रों परिवारों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। सर्व पितृ अमावस्या कि जो तिथि शुरू हो रही है वह 16 सितंबर के दिन शाम 7:58 से प्रारंभ हो गई है और अमावस्या तिथि की समाप्ति शाम 4:31 पर 17 सितंबर को हो जाएगी। मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गुरुवार का दिन पितरों के विसर्जन के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन पितरों को विदा करने से पितृदेव बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि यह मोक्ष देने वाले भगवान विष्णु की पूजा का दिन माना जाता है। इस कारण सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों का विसर्जन विधि विधान से किया जाना चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से नमन कर अपने पितरों को विदा करता है उसके पितृदेव उसके घर परिवार में खुशियां भर देते हैं। जिस घर के पितृ प्रसन्न होते हैं पुत्र प्राप्ति और मांगलिक कार्यक्रम उन्हीं घरों में होते हैं। पितृ अमावस्या के दिन सुबह आप जल्दी उठकर बिना साबुन लगाए स्नान करें। ध्यान रहे साबुन इस दिन नहीं लगाना और फिर उसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहने। पितरों के तर्पण के निमित्त सात्विक पकवान बनाएं और उनका श्राद्ध करें। शाम के समय सरसों के तेल के 4 दीपक अवश्य जलाएं। इन्हें घर की चौखटों पर अवश्य रख दें। एक दीपक लें, एक लोटे में जल लें। अब अपने पितरों को याद करें और उनसे यह प्रार्थना करें कि पितृपक्ष समाप्त हो गया है इसलिए वह परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद देकर अपने लोक में आप वापस चले जाएं। यह करने के पश्चात जल से भरा हुआ लोटा और दीपक को लेकर पीपल की पूजा करने जाएं। वहां भगवान विष्णु जी का स्मरण कर पेड़ के नीचे दीपक को रख दें। जल चढ़ाते हुए पितरों के आशीर्वाद की कामना करें। पितृ विसर्जन की विधि के दौरान किसी से भी बात नहीं करना चाहिए। कोई आप किसी से बात करते हुए पूजा ना करें। पूजा हमेशा एकांत में करें। तो इस प्रकार से आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों को विसर्जित कर सकते हैं, उनको उनके लोक में पहुंचा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले प्राप्त कर सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।